हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं कि लाइफ के अंदर व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट। देखो, लाइफ के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है जब हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि दिस इज द गुड थिंग, दिस इज द बैड थिंग, दिस इज द राइट थिंग, दिस इज द रॉन्ग थिंग। हम लोगों की ग्रुप के अंदर डिस्कशन हो रही थी। हमारी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी जो कि काफ़ी हायर पोजीशन पे थी, तो हम लोग कर रहे थे कि उसकी जो सबसे बड़ी वीकनेस थी कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाती थी कि ये अच्छे लोग हैं ये बुरे लोग हैं, तो वो हमेशा बुरे लोगों के ऊपर रिलाई करती थी, जिसकी वजह से क्या था कि उसकी लुटिया डूब गई थी। तो लाइफ के अंदर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि दिस इज द गुड थिंग, दिस इज द रॉन्ग थिंग, ये अच्छे लोग हैं ये बुरे लोग हैं, ये गुड फ्रेंड्स हैं ये बैड फ्रेंड्स हैं। तभी तो कहते हैं ना कि बुरी संगति से अकेला भला, क्योंकि जब बुरे लोग हमारी लाइफ के अंदर आ जाते हैं तो वो हमें इतनी नेगेटिविटी से चैनलाइज कर देते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ चल पड़ते हैं। तो लाइफ के अंदर जो हमें चाहिए होता है वो होता है पॉजिटिव लोग, जो हमारी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ले जाए। इवन हम लोग जब एजुकेशन प्राप्त करते हैं तो भी वहां पे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हु आर द गुड टीचर्स हु आर द बैड टीचर्स। तो आप लोग देखोगे कि जो बैड टीचर्स होते हैं उसके फॉलोअर ज्यादा होते हैं, उनके इन्फ्लुएंस में हम जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि वो हमें नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ लेके जाते हैं। और ये बात हम तब समझ में आती है जब चिड़िया चुग जाती है खेत, अब पछताए होत क्या। तो लाइफ के अंदर वी हैव टू आइडेंटिफाई, इवन अगर हम ऑफिस में भी काम करते हैं तो किन लोगों के ऊपर हमने रिलाय करना है, कौन से अच्छे लोग हैं जो हमें पॉजिटिव मोटिवेशन देते हैं, जो हमारी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेके जाते हैं। तो ये फैसला आपके हाथ में है कि आप किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि दीज आर द गुड पीपल, दीज आर द बैड पीपल। तो ये क्वालिटी अपने में डिवेलप कीजिए।